नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिप्टो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे डिजिबाइट कॉइन के बारे में। डिजिबाइट कॉइन का प्राइस काफ़ी टाइम से गिरा हुआ है, काफ़ी टाइम से बहुत डाउन में है, ठीक है। तो अभी इसका प्राइस कैसे इम्प्रूव होगा आने वाले टाइम में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके टेक्निकल चीज़ें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले 4 से 5 महीने में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिजिबाइट कॉइन के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, ट्रांजेक्शन के बारे में, और काफ़ी एक्सचेंज पर ये लिस्टेड भी हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अब आने वाले टाइम में। तो कृपया करके आप इस पर ध्यान से देखिए इसको, ठीक है दोस्तों। तो डिजिबाइट कॉइन का जो जून से है, काफ़ी टाइम से इसका जो प्राइस है वो काफ़ी डाउन चल रहा था, और इन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। उस पर नए प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें जो नई आएंगी या नई आ चुकी हैं ऑलरेडी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो डिजिबाइट का जो कॉइन है, इसके बारे में अभी आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था। उस फर्स्ट चीज़ जो वेबसाइट पर अपडेट की गई थी, डिजिबाइट एमा, जिस तरह से आप राइट साइड में देख रहे हैं, इनका लाइव सपोर्ट है, ठीक है। इनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये लाइव सपोर्ट है, और साइबर सिक्योरिटी, पेमेंट्स, ट्रांजेक्शन, कम्युनिकेशन, इन सभी चीज़ों को इम्प्रूव इसमें किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट इन्होंने अपना वो इम्प्रूव किया। फिर इनका एक मीटिंग हुआ था सिटी HK में, एक फिनटेक चैलेंज, फिनटेक जो कंपनी है उसके साथ इनका ऑलरेडी मीटिंग हुआ था, तो वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। इसका जो नया ब्लॉकचेन रेडी किया गया, रोड मैप रेडी किया गया है, और उसके बाद इनका जो वेबसाइट है उसमें सिक्योरिटी, स्पीड और काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें इन्होंने की है, और फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन के लिए काफ़ी काम किया है, और ऑलरेडी इनका फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन है। और जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उनको ज़्यादा सिक्योर और फास्ट ट्रांजेक्शन बनाने के लिए जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट इन्होंने किया है। जितने भी जो चैलेंज थे उनके वो इन्होंने ले लिए हैं, और उसके बाद उन्होंने क्या क्या चीज़ें नहीं की है वो हम आपको बताएंगे। ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पर जा करके आप इनका देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन डिजिबाइट के रिगार्डिंग, ठीक है। और जो ब्लॉकचेन में इंप्रूवमेंट किया है इन्होंने, 5 एल्गोरिथम ले रही हैं। बिटकॉइन में 1 एल्गोरिथम है, यहाँ पे 5 है, और ऑफिशियली इन्होंने अनाउंस भी किया है जिस तरह से आप देख रहे हैं। डिजिबाइट ब्लॉकचेन और डिजिबाइट फाउंडेशन का यह पेज है, इसमें सिक्योरिटी, स्पीड, ट्रांजेक्शन, ब्लॉकचेन सब कुछ इसमें दिया गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ब्लॉकचेन, बिटकॉइन और डिजिबाइट, एक तो इसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, और डिजिबाइट का जो नेटवर्क है वो एंटायर वर्ल्ड में है, 90,000 नोड्स हैं इसके ग्लोबली, 90,000 नोड्स, ठीक है। और बिटकॉइन में आप देख सकते हैं कि 10 मिनट में एक ट्रांजेक्शन होता है, और यहाँ पर 15 सेकंड में एक ब्लॉक माइन होता है। बिटकॉइन में 10 मिनट में एक ब्लॉक माइन होता है। बिटकॉइन में 1 एल्गोरिथम यूज होती है SHA-256, और यहाँ पे 5 एल्गोरिथम यूज होते हैं। बिटकॉइन में 7600 नोट है, और यहाँ पे जो नोड्स हैं वो 90,000 है। बिटकॉइन में टाइम 2 वीक डिले है, और इसमें रियल टाइम है, और 21 बिलियन कॉइन है दोनों में, ठीक है। और यह इसका नया रोड मैप है जिसके द्वारा जो टेक्नोलॉजी इन्होंने इम्प्रूव की गई है, ठीक है दोस्तों। पूरे के पूरा जो आप रोड मैप है ये देख सकते हैं, और इसके जो 90,000 नोड्स हैं वो ग्लोबली काम कर रहे हैं, और 2013 से इसका स्टार्ट हुआ था, और 2017 तक अभी तक इतना इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है। फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन है इसके, 40 गुना फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन है, और बिटकॉइन से ज़्यादा स्केलेबल है इसका जो डिजिबाइट का जो कॉइन है। और यह इसका ग्राफ आप देख सकते हैं, 2014 से जापान से स्टार्ट हुआ था, 10.7 बिलियन डिजिबाइट माइन होंगे 5 साल तक, ठीक है, 2019 तक 10.7 मिलियन, और 16.1 बिलियन डिजिबाइट अगले 10 साल में होंगे, और 21 बिलियन डिजिबाइट कॉइन माइन होंगे 2035 तक। तो 2035 तक का रोड मैप इनके पास है। और इस ग्राफ में मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी कॉइन्स हैं उनकी प्राइवेट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिस तरह रिपल, स्टीम, बिट्स, ये सब सेंट्रलाइज कॉइन है, ठीक है। नेक्स्ट इथेरियम, इथेरियम, रिपल, स्टीम, BTS और स्टेलर ल्यूमन, ये सब सेंट्रलाइज कॉइन है, कंट्रोल बाय सिंगल इंस्टीट्यूशन प्राइवेट कंपनी। और इथेरियम, इथेरियम क्लासिक, UBQ, ये डिसेंट्रलाइज कॉइन है, और इसकी सिक्योरिटी काफ़ी हाई लेवल की है। और प्राइवेट जो कॉइन है वो XMR-ZEC बिटको वर्ज, ये डिसेंट्रलाइज कॉइन है, और उनकी जो मार्केट है वो भी काफ़ी है। और जो राइट साइड में आप कॉइन देख रहे हैं ये सब डिसेंट्रलाइज कॉइन है, लेकिन टेक्नोलॉजी इनकी ज़्यादा अच्छी नहीं है वो हम कह सकते हैं। जैसे IOTA, NEO, MEM, OMG और ये सब प्राइवेट कंपनियों से कंट्रोल होते हैं, और फंड स्टोलन ऑन फेक ICO, ठीक है। और इनके जो ICO आए थे उनमें काफ़ी फंड स्टोल किया गया था, वहाँ से काफ़ी फंड चुरा लिया गया था। और जो आप देख रहे हैं बिटकॉइन, लिटकॉइन, डिजिबाइट, VTC, डोजी कॉइन, ये सब सेंट्रलाइज कॉइन है, और मोस्ट ऑफ देम में इनमें जितने भी पोटेंशियल काफ़ी है,
और नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन सपोर्ट करती है इनको, ठीक है। जो फाउंडेशन है वो लेफ्ट साइड में जितने भी हैं वो प्राइवेट कॉइन्स हैं, राइट साइड में प्राइवेट कॉइन्स हैं, लेकिन जो बेसिकली टेक्नोलॉजी जिसकी बढ़िया है वो सब सेंटर में है, ठीक है। डिजिबाइट के जो ट्रांजेक्शन है वो फास्टेस्ट है, 560 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड होते हैं यहाँ पे, और 7 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड बिटकॉइन सपोर्ट करता है इसके मुकाबले, ठीक है। 560 डिजिबाइट के हैं और 7 सेकेंड बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन, तो बिटकॉइन से ज़्यादा ट्रांजेक्शन फास्टर, और 25 प्लस कॉइन्स को डिजिशील्ड प्रोवाइड करता है डिजीबाइट, ठीक है। इसके साथ 25 प्लस कॉइन है, और इनको जो डिजीबाइट की जो फाउंडेशन वेबसाइट है उस पर आप विजिट करके इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और डिजीबाइट का दोस्तों जो ट्रांजेक्शन है वो इंक्रिप्शन, आइडेंटिटी, नोडलाइज, इम्यूनेबिलिटी और ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ये सब चीज़ों से वेरीफाई हो करके इनका जो ट्रांजेक्शन होता है, और काफ़ी सिक्योर ट्रांजेक्शन है इसका, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया है अपने आप को पिछले 4 से 5 महीने में, और लेजर, नैनो एंड ब्लू टाइप के इनके जो नई क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल होंगी बहुत जल्दी आपको, क्वांटम, डिजीबाइट, हैश कैश, ठीक है, एच कैश, ये 3 तरह के जो डिजीबाइट की है वो मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, लेजर वॉलेट इनका आ गया है, वहाँ पे आप अपना डिजीबाइट का जो कॉइन है वो स्टोर कर सकते हैं लेजर वॉलेट के अंदर। और इनकी जो ब्लॉकचेन की 3 लेयर है, एप्लीकेशन लेयर, सेकंड डिजिटल एसेट, थर्ड कोर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर, डिजिटल एसेट्स और कोर प्रोटोकॉल लेयर, तो अलग अलग लेयर का अलग अलग यूज़ है इनका। फर्स्ट एप्लीकेशन में काम आती है, सेकंड लेयर जो सिक्योरिटी के लिए काम आती है, थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के काम आती है। और इसका जो डिजीबाइट माइनिंग का ब्रेकडाउन है वो इसमें ये 5 प्रकार के एल्गोरिथम हैं जो यहाँ पर दिखाए गए, स्क्रिप्ट है, क्यूबिट है, SHA-256 है और स्केन है। नेक्स्ट है डिजीबाइट का जो अभी इम्प्रूव होने वाला है उसके बारे में दिखाया गया है, ये जो इसके वॉलेट्स भी आ चुके हैं, ऑनलाइन वॉलेट्स भी, ठीक है। और डिजीबाइट ज़्यादा सिक्योर क्यों है, क्योंकि इसके पास 5 तो एल्गोरिथम से माइनिंग होती है, ग्लोबल डिसेंट्रलाइज करेंसी है ये, और इसके जो ब्लॉकचेन है काफ़ी 1 लाख प्लस सर्वर में, कंप्यूटर में, फ़ोन में नोड्स हैं वर्ल्ड वाइड, और डिफ़िकल्ट स्टेबिलिटी है इसकी, मतलब कि एडवांस डिफिकल्ट स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, और काफ़ी एक्सचेंज पे लिस्ट हो चुका है, ठीक है, क्यूकॉइन, बिट्रेक्स, बार्टर डेक्स, अपबिट जो कि साउथ कोरियन एक्सचेंज है, फिटबिट इसी पर भी डिजीबाइट आ चुका है ऑलरेडी, वहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं, डिजीबाइट अपबिट पर भी आ चुका है, और डिजीबाइट एक इंडियन एक्सचेंज है यू से, उस यू कॉइन पर भी आ चुका है, और इसका जो कॉइन बेस है बहुत जल्दी है कॉइन बेस में भी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो डिजीबाइट का कराकोरम जो एक्सचेंज है, कराकेन, इसके ऊपर भी है आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और जो मैं आपको INR एक्सचेंज बता रहा था इंडिया की, बाई यू कॉइन है, और अभी इसके स्मार्ट कार्ड भी आने वाले हैं बहुत ही जल्दी। जो INR एक्सचेंज में बता रहा था इंडियन एक्सचेंज, बाई यू कॉइन है, वो वहाँ पर भी है आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव किया है, और इसका जो प्राइस का जो रेट है काफ़ी टाइम से बहुत डाउन था, अभी लास्ट 2 दिन से जब से जॉन मैकेफी ने डिजीबाइट के बारे में बोला है तब से इसका जो प्राइस है उसमें काफ़ी फ्लक्चुएट आ चुका है, 247 से तो उसे टच कर चुका है, आप देख सकते हैं इसका ग्राफ, जितने भी स्पाइक्स आप ग्रीन कलर के देख सकते हैं ये सब प्राइस का फ्लक्चुएशन चल रहा है, ठीक है। और अभी इसका करंट प्राइस 173 से तो छः, जो कि अभी बाइंग करने का बेस्ट टाइम है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको टाइम टू टाइम सारी क्रिप्टो करेंसी की न्यूज़ मिलती रहेगी दोस्तों। और अगर आपका कोई कमेंट है तो, आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।